हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो आज सैमसंग गैलेक्सी S21 का लाइव हैंड्स ऑन वीडियो ऑनलाइन लीक हो चुका है और उस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जहां से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरास एंड सिंगल कंसोल सेल्फी कैमरा वाली डिस्प्ले दिखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन की बेजल्स हमें बहुत ही थिन दिखने को मिलने वाली है। इस स्मार्टफोन की चिन बहुत ही छोटी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही थिन बेजल्स इस स्मार्टफोन में हमें दिखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट से ये कंफर्म हो जाता है कि कुछ दिन पहले जो रेंडर्स लीक हुए थे वही डिजाइन के साथ सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज लॉन्च होने वाली है। आपको ये स्क्रीनशॉट कैसे लगे, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, नॉइस की नई स्मार्ट वॉच नॉइस कलर फिट प्रो 3 का प्रोडक्ट पेज आज अमेजोन पर लाइव हो चुका है और इस प्रोडक्ट पेज से ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्ट वॉच नॉइस जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाला है। नॉइस कलर फिट प्रो 2 एक बहुत ही अच्छी स्मार्ट वॉच थी, अब देखते हैं इस स्मार्ट वॉच के साथ नॉइस क्या कमाल करता है। दोस्तों, ओप्पो रेनो 5 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स 2 दिन पहले ही चाइना में लॉन्च हुए है और वो दोनों स्मार्टफोन्स अब इंडिया में भी जल्द ही ओप्पो लॉन्च करने वाला है, क्योंकि ओप्पो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली टीज करना शुरू कर दिया है कि वो लोग ओप्पो रेनो 5 सीरीज को इंडिया में जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स जनवरी तक इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग ओप्पो रेनो 5 सीरीज के इंडिया लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि रियलमी का नया TWS ईयरफोन, बजट TWS ईयरफोन रियलमी बर्ड्स Q2 रियलमी जल्द ही लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, आज एक लीक से जानकारी मिली है कि रियलमी बर्ड्स Q2 के साथ रियलमी का एक और नया बजट TWS ईयरफोन रियलमी बर्ड्स QSB रियलमी जल्द ही लॉन्च करने वाला है। यानी कि रियलमी के काफी सारे TWS ईयरफोन रियलमी जल्द ही इंडिया में लॉन्च करेगा। दोस्तों, माइक्रोमैक्स के एक और नए स्मार्टफोन को आज इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है और दोस्तों, इस सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो आज Xiaomi के नए फ्लेक्सी स्मार्टफोन Mi 11 के कुछ और नए लाइव इमेजेस लीक हो चुके हैं और वो सारे इमेजेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन इसी महीने चाइना में लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।